हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, पितृपक्ष में होगा बुध और शुक्र का गोचर। इन तीन राशि वालों का शुरू होगा गोल्डन टाइम। करियर और कारोबार में तरक्की के योग, यानी कि किस्मत बदलने का चांस है। जी हाँ दोस्तों, बात करें दोस्तों, यदि पितृपक्ष में बुध और शुक्र का गोचर होता है तो इन तीन राशियों की किस्मत बदलेगी, यानी कि आपको अच्छे से सफलता मिलेगी। नौकरी व्यापार में आपको अच्छे से सफलता प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, शास्त्र में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। पितृपक्ष लगभग 15 दिनों का होता है। वही आपको बता दे, इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 16 सितंबर से शुरू होगी, वही इसका अंत 2 अक्टूबर तक होगा। इस साल पितृपक्ष ज्योतिष के दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इन दिनों में शुक्र और बुध का गोचर होने जा रहा है। शुक्र ग्रह 16 सितंबर को कन्या से निकलकर स्वराशि तुला में प्रवेश करेंगे। वही 23 सितंबर को बुध ग्रह कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, ऐसे में इन दोनों ग्रह के गोचर से कुछ राशियों का भाग्य चमक सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्या दोस्तों आप इसमें शामिल, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो चलिए जानते दोस्तों, किन राशि का समावेश इसमें है, यानी कि वो भाग्यवान साबित होगी। तो दोस्तों, यह जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, नंबर 1 मेष राशि। आप लोगों के लिए शुक्र और बुध का गोचर लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह गोचर आपकी राशि से, शुक्र ग्रह आपकी राशि से 7वें भाव पर, वही बुध ग्रह आपकी गोचर कुंडली से 6ठे भाव पर भ्रमण करेंगे। इसलिए इस दौरान शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन शानदार रहेगा। साथ ही इस अवधि में आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिल सकती है। दोस्तों, वही इस दौरान आपको संचित धन में वृद्धि होने की संभावना है। दोस्तों, आप पैसे बचाने में सफल होंगे, यानी कि आर्थिक रूप से ये समय आपके लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड रहेगा, यानी कि लाभदायक सिद्ध होगा और कार्य क्षेत्र में भी आपके प्रदर्शन में सुधार होगा। दोस्तों, साथ ही इस समय आपको पार्टनरशिप में काम में लाभ हो सकता है, तो दोस्तों अवश्य शुरू करेगा। तो इस दिनों में, यानी कि पितृपक्ष दौरान आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नौकरी व्यापार में मिलती है तो अवश्य पकड़ के रखना, क्योंकि दोस्तों मौके पर चौका अवश्य लगाएगा। तो दोस्तों, बात कर रहे नंबर 2 पर मिथुन राशि। शुक्र और बुध का राशि परिषद मिथुन राशि के जातकों को अनुकूल साबित हो सकता है, क्योंकि बुध ग्रह आपकी गोचर कुंडली में चतुर्थ भाव पर, तो वही शुक्र ग्रह आपकी राशि में पंचम भाव पर संचरण करेंगे। दोस्तों, इसलिए इस दौरान आपकी सुख सुविधा में वृद्धि होगी। साथ ही इस समय आपको कोई वाहन या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, घर मकान या दुकान भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, वही इस समय आपको संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। वही अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो समय अनुकूल रहेगा, यानी कि लव मैरिज चांसेस बन सकते हैं। दोस्तों ट्राई अवश्य कीजिएगा। संतान की जिम्मेदार की पूर्ति होगी। दोस्तों, जो भी मौका आपको नौकरी व्यापार में मिलता है, विवाह का शादी का योग बनता है, तो दोस्तों मौके पर चौका अवश्य लगाएगा, क्योंकि दोस्तों भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, तो दोस्तों अवश्य लाभ उठाएगा। तो दोस्तों, नंबर 3 पर है कर्क राशि। आपके लोगों के लिए शुक्र और बुध का गोचर लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, क्योंकि बुध ग्रह आपकी राशि से 3रे भाव पर है, तो वही शुक्र ग्रह चतुर्थ भाव पर संचरण करेंगे। इसलिए दोस्तों, इस समय आपको साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। साथ ही आपको भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। वही विद्यार्थियों और प्रतियोगिता में बैठने वाले, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले छात्रों को शुभ समाचार मिलेगा। सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हो तो सफलता अवश्य मिलेगी। साथ ही आपको भाई बहनों का संयोग प्राप्त होगा। वही इस समय आपको माता के साथ संबंध मजबूत बनेंगे। दोस्तों, नौकरी व्यापार में जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो दोस्तों मौके पर चौका अवश्य लगाएगा। तो दोस्तों, किस्मत बदलने का खूब चांस है, भाग्य के साथ मिलेगा, तो दोस्तों लाभ अवश्य उठाएगा। तो दोस्तों, आपकी वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।